होती है। नर और नारायण हिमालय में दो पर्वत है। नर नारायण मतलब कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के रूप में भजन कर रहे हैं। एक अवतार में ऐसा लिखा है नर नारायण, जब नर रुष रूप में भजन कर रहे हैं तो वहाँ देवता इंद्र आदि घबरा गए कि ये कौन तपस्या कर रहा है, कि सारे देवी देवताओं को कुछ नहीं समझता है। तो वहाँ उर्वश वहाँ मेनका को भेजा है कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो। वहाँ आकर के मेनका नृत्य कर रही है और सोचती है कि इसका वो भंग कर दूँ। तो भगवान बैठे बैठे कृष्ण देख रहे हैं। शिष्यस्तमाम् आदि मन्त्वा प्रपन्नम्, मैं आपको गुरु मानता हूँ इसलिए हमको आप कुछ बताइए। जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना है तब भगवान ने सारा रहस्य बताया है। तो भगवान कृष्ण नारायण के रूप में देख रहे हैं कि इसकी तपस्या न भंग हो जाए, मेरे रहते हुए इसको आगे न जाना हो, कैसे चलेगा, मुझे विघ्न को हटाना है। तो वहाँ भगवान ने नारायण ने ऐसे कुछ करके डाला है, वहाँ उर्वशी पैदा हुई है, इसको उरु बोलते हैं। उरु यहाँ से कोई शक्ति निकाल करके फेंका तो वहाँ उर्वशी पैदा हुई और मेनका के सामने उर्वशी डांस कर रही है। तो मेनका से इतनी ब्यूटीफुल उर्वशी रही कि मेनका वहाँ उसका ड्रेस डिम हो गया, मंद हो गया देख करके कि मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं क्या डांस करूँ, इसका इसकी तपस्या मैं भंग नहीं कर सकती हूँ। आप लोग माफ़ करना अमुक बात कि बहनों के सामने कोई दूसरी बहन बहुत अच्छी बन करके आवे ना तो बोलेगा कि आहा मेरे से कितनी सुंदर है। कपड़ा पहने तो बोले एक क्या कहाँ से लिया आपने, ये दागीना कहाँ से लाया, बहुत अच्छा लगता है, उसको गमेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही बखान कर करके सब पूछ लेगी कि मेरे से भी अच्छी कपड़ा पहनी है, सजी धजी है, ऐसा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, पूछती रहेगी। ये बहनों का स्वभाव होता है कि प्रकृति है ये कि आपसे भी ज़्यादा अच्छी ये लगे ना तो आप बोलेगी क्या करती है ये, क्या खाती होगी, क्या सस्ती होगी, ऐसे हो जाता है, स्वभाव है, आपका दोष नहीं है। तो उर्वशी के सामने ऐसा हो, मेनका के सामने हुआ तो वो तो बैठ गई, अब क्या नाचना। और वहाँ जो है वो महामाया जो है मेनका रूपी विघ्न को दबा दिया है और वहाँ से नारायण को ऊपर ले जा रही है, नर को, कृष्ण को पार कर रही है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि समस्त विघ्नों को हटा करके और आपको लक्ष्य में पहुँचा दे। तो ऐसे लक्ष्य को भेदन करने वाले और महान तत्ववेत्ता गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं। तो आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, कहीं आप अटको नहीं, बीच में गाड़ी फंसे नहीं, इसलिए मैं दत्तात्रेय महाराज को बोलता हूँ गुरु मान लो। आपके गुरु हों तो उनके अंदर गुरु को मानना, गुरु को देखना, और साधना करोगे तो आगे जाओगे, लेकिन इनको मानोगे ना तो हम और जगदम्बा शायद आपको अनुभव भी होगा कि ये यूं ही खड़ी रहती है, मैं लकड़ी लकड़ खड़ा रहता हूँ। आगे जाओगे तो मैं और मेरी लकड़ी आपको दिखेगी ही, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार हूँ मैं। राम जी से मिलने जाओगे तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही, कहाँ जा रहा है मालिक से मिलने, क्या काम है। हनुमान से मिलेगा आप बोलो कि राम को मिल लूँ, नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को नहीं मिला जाता है, सीधे सेक्रेटरी के पास नहीं जाया जाता है, वो कोई मिलेगा नीचे वाला, वो अर्जी भेजेगा, फिर मुखियों के पास पहुंचोगे आप, एकाएक नहीं जाया जा सकता है। ये क्रम है, व्यवस्था है, आचार संहिता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आज के दिन जो है आपको बोध दे रहा हूँ कि गुरु तत्व ऐसा है, उसके कृपा के सिवा कोई लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं सकता है। मैंने आज तक सुना नहीं है कि कोई गुरु के बगैर पहुंच गया हो,
काकभुसुंडी जी ने रामायण में लिखा है कि मेरे को 1000 जन्म लेना पड़ा, लेकिन हर जगह मेरे गुरु जी साथ में रहे। जहाँ जहाँ जन्म लिया मेरे को पीछे के गुरु दिखते रहे। समर्थ गुरु जो है और आप के प्रति उसका प्रेम है, तो आपका कल्याण नहीं होगा तब तक वो मुक्त नहीं होता है। आपके पीछे पीछे रहेगा, जब तक तुम्हारा कल्याण न हो जाए तब तक वो ऋण से मुक्त गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे गुरु लो बहुत चेला बना करके कंठी नहीं बांधते हैं। बांध देंगे तो फिर उनको भी लटका रहना पड़ेगा। लेकिन ये गुरु ऐसे हैं कि करोड़ों भी अगर इनके चरण में आवे तो सबको पार कर देते हैं। ऐसे गुरु की पैसा आपको ले जाता हूँ कि जहाँ आपको कोई भ्रम ना रहे, शंका ना रहे। और ये गुरु जो हैं दिखते नहीं हैं, निरंजन निराकार हैं, ये असाकार भी हैं, आकार भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं ये। इसलिए दत्तात्रेय महाराज स्मृतगामी हैं, स्मरण करो ना हाजिर हो जाते हैं। आप जहाँ भी भजन करते होगे हाजिर होंगे, आपको दिखते नहीं हैं। जब आप बहुत श्रद्धा विश्वास रखोगे तो कभी झांकी आपको होगी। हो सकता है कि आपको न दिखे तो आपको बच्चे को दिखे, घर में किसी को दिखे, प्रूफ देंगे कि बेटा मैं तेरे यहाँ हूँ, चिंता मत कर, तू भजन कर। कभी कभी पर्चा भी देते हैं और आगे ले जाते हैं, आपका मंगल कल्याण करते हैं। तिनका अवतार जो है विश्व कल्याण के लिए, अनंत सृष्टि के कल्याण के लिए है। देवी देवता भी वहाँ जा नहीं सकते हैं, दत्ता महाराज को देख नहीं पाते हैं, ऐसे समर्थ गुरु हैं। बोला ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये तीनों का एक में स्वरूप है, इतनी शक्ति है इनमें। आज इनका अवतार का दिन है, बाकी अजन्मा हैं, इनका जन्म मरण होता ही नहीं है, लेकिन जब जब सृष्टि हुई है तब तब ये लोग ही आते हैं। और महाप्रलय तक के रहने वाले हैं, महाप्रलय तक ये रहने वाले हैं, वहाँ तक जो है दत्त स्वरूप में रहेंगे। बाद में क्या खबर, फिर क्या अवतार होगा, क्या स्वरूप होगा, सृष्टि का प्रलय होने के बाद क्या होगा, क्या खबर। लेकिन तब तक तो ये हैं। तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि इस संसार में रह करके सब कुछ करते हुए एक आध घंटा समय निकालना चाहिए। और ऐसा मंत्र दिया है ये हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हरिजन हो, भंगी हो, गरीब हो, धनी हो, बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो कि कैसे भी हो, सबको ध्यान लगे। आ सबको अनुभूति होती है। बहुत से अनपढ़ माताएं, भाइयों, बहनों, वृद्ध लोग, कृषक लोग आते हैं, उनको भी ध्यान लगता है। तो लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं, इसको कैसे ध्यान लगा, कुछ विद्या होगी। अरे भाई, विद्या हो तो भी तेरे को अगर भगवान दिखता है तो देख लेना। क्या खर्चा होता है आप लोगों का, न लेना न देना, भगवान दिखता हो तो क्या हर्जा है, देख लो। लेकिन समझ में नहीं आता है, इतनी सस्ती वस्तु दिया है। महाराज ने बोला है कि आप मांग रहे हो विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ मांग रहे हो और सबको मानसिक शांति मिले, इसके लिए हम ये मंत्र दे रहे हैं। ये मंत्र नहीं है, ये दिव्य एक औषधि है जिसके खाने से सारी बीमारियां मिटती हैं। एक दवा और अनेकों बीमारियों का इसमें समाधान होता है, ऐसी दवा है ये। राम देखना हो इस मंत्र को बोलकर बैठो, भगवान राम दिखेंगे। भगवान कृष्ण को देखना वो दिखेंगे, जीसस क्राइस्ट को देखना वो दिखेंगे, पीर पैगंबर बोलेंगे वो दिखेंगे, हाजी मलंग पीर से लेकर के सभी पीर पैगंबर इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे जो है, चाहे जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको मैं प्यार करता हूँ। सबके अंदर आत्मा नूर जो है एक ही है। आप कहीं करके बैठ करके ट्राई करके देख लेना, लेकिन सही हो तो एक लेटर तो लिखना,
भले मत लिखना कि मैं जैन हूँ कि मुस्लिम हूँ, लेकिन एक तो लिखना कि हाँ अनुभव होता है आप सही बोलते हो। ये सही बोलने के लिए भी तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। वे लंदन गया, बहुत से दरासन में गया, और महावीर स्वामी चक्रेश्वरी माँ पद्मावती माँ सबकी झांकी हुई जैन बंधुओं को, क्रिश्चियन लोगों को जीसस क्राइस्ट और मेरी दिखाई पड़ रही थी। जो जिसका भक्त वो दिखाई पड़ा। लंदन से आए हुए हैं कुछ लोग, यहाँ शिक्षक हैं बैठे हुए हैं, इन सबको खबर है, और वहाँ प्रचार भी काफ़ी हो रहा है। और मैं और जगदम्बा भी हमारी हैं, ये मेरे साथ सहमत हैं, अगर किसी को टेस्ट करना हो तो कोई दरासन में बुलाओगे, हजारों जैन बंधु होंगे, और उसमें मैं अगर ध्यान कराऊंगा, आप लोग धुन बोलकर बैठोगे, तो चैलेंज है कि आपको सबको अनुभव होगा। टेस्ट करना हो तभी, इस स्थूल शरीर में जीवित हूँ, टेस्ट कर लेना। अगर कोई मुस्लिम भाई फकीर बोले तो मैं मस्जिद में आने को तैयार हूँ, वहाँ हमको बुलाओगे और मैं आऊँगा, अपने संकल्प करूँगा, तो आपको पीर पैगंबर का दीदार होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। टेस्ट करना हो तो कर लो, किसी भी मंदिर मस्जिद में बुलाओगे आऊँगा। क्यों इतना आत्मबल के साथ बोलता हूँ कि दत्तात्रेय महाराज सिद्धों संतों फकीरों का आशीर्वाद है। जब ये हमको मिले हैं तो सभी देवी देवता और सभी सिद्ध फकीर सब दिख रहे थे, सब लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा था कि तुम विश्व कल्याण के लिए मांगते हो तो इससे मानसिक शांति मिलेगी, सबको जो है आनंद आएगा और सब कुछ ठीक होगा। अगर हमको मांगना होता ना तो सोना चांदी हीरा मांग लिया होता, रावण जी से लंका मांग लिया होता, लेकिन सोना हीरा वैभव नहीं मांगा, क्योंकि रामायण पढ़ा रहा कि रावण ने मांगा उसका भी नाश हो गया, बेचारा मर गया। और यहाँ कितने सरकारी ने लुटेरे डाकू यहाँ दृष्टि करके बैठे होते, लेकिन ये कुछ नहीं मांगा। आप लोग हमारे हो, कितने जन्म के भाई बंधु माता पिता हो, हजारों जन्म से लाखों जन्म से मैं भी फिरते फिरते आया हूँ और आप भी फिरे हो, इसलिए आप लोग हमारे हो, इसलिए बहुत प्यार करता हूँ। आपको शांति मिले, ध्यान लगे, कल्याण हो, ये मेरी भावना होती है, और कुछ आप लोग से मैं मांगता नहीं हूँ, सुदामा पूरी है कुछ नहीं, आप लोग देते हो, आप लोग खाते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी संपत्ति आप लोग हो, आपका कल्याण हो, मंगल हो, ये हम लोग सोचते हैं। ये हमारी जगदम्बा जो है बोल रही थी कि कमलेश भाई हमारे लोगों की बखान किया करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। ये जगदम्बा जो है अन्नपूर्णा है, बैठी रहती है, केवल गाइडलाइन कर देती है कि हमारे बच्चे आते हैं, भाई बहन आते हैं, उनको अच्छा खिलाना करना, गाइडलाइन दे दिया, लोग कर रहे हैं। इस सेवकों को धन्यवाद है कि यहाँ रह करके इस प्रकार से सेवा करते हैं, खिलाते हैं, जो उभे पर खड़े रहते हैं, इनको धन्यवाद देता हूं मैं। इतनी सेवा ये लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमको प्रसन्नता ये होती है कि आप लोगों को कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले, आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इसलिए केवल हम निमित्त बनते हैं, लेकिन मंत्र प्रभावशाली है। अगर कोई नवे भाई बहन आए हों तो अपने घर में जाकर के हार्टली हृदय से संकल्प करना कि हरिओम तस्य जय गुरुदत्त वरदानी मंत्र है, इसमें शक्ति भरी है, तो आज हमको भी कुछ अनुभव हो, तो 2-5 दिन जो है करना, और 15-20 मिनट ध्यान में बैठना, कुछ बोलना नहीं, ध्यान दरमियान कोई मंत्रोच्चार नहीं, खाली बैठे रहना, श्वास पर दृष्टि रखो, आज्ञा चक्र में रखो, हृदय में रखो, बैठे रहना कि हमको कुछ अनुभव हो। उसमें शरीर अगर ऐसे हिलने डुलने लगे, आगे पीछे होने लगे, तो घबराना नहीं, वो क्रिया योग है, अपने आप होता है। पेट ऊंचा नीचा हो तो भी घबराना नहीं, मूल बंद उड्डयन बंद अपने आप होता है, सारे योगिक क्रियाएं अपने आप होती हो, आपको करना कुछ नहीं होगा। और भी कुछ क्रिया सोचोगे तो भी मुद्राएं होने लगेंगी, लेकिन आपको स्वीकार होना चाहिए, जो कुछ हो बैठे रहना, तो देखो क्या होता है। लेकिन न समझ में आवे तो पत्र लिखना अथवा पूछना, छोड़ मत देना।
तो किसी को टेस्ट करना हो तो आप लोग करके देख सकते हो। ये गिरनार की महिमा है। दत्तात्रेय महाराज है, नानाथ हैं, सिद्ध हैं यहाँ, जो यहाँ की महिमा बड़ी अगार है, अगाध है, अवर्णनीय है। इसलिए गिरनार में जो आता है तो ये मंत्र बोलकर बैठे अनुभूतियाँ होती हैं, उसको क्रियाएँ होती, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आने वालों को कि गिरनार पवित्र भूमि है, दर्शन करना, और भाव से आओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा इस जगह।